topic is direct indirect speech. So when we talk about direct and indirect, indirect speech, basically we quote the original words of the speaker. Why we use the original words of the speaker? Because when we want to give the quotation in long essay, then we use direct speech. Second is indirect speech. Why do we use indirect speech? Number one, we use indirect speech in our precis. For example, if the passage in precis is direct speech, you will have to do an indirect speech. Number two, whenever we write comprehension, our answer is indirect speech. Number three, there are 5 or 10 marks of direct indirect which we have to convert into indirect speech. तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में दो स्पीच होती है, एक डायरेक्ट, डायरेक्ट में किसी चीज ओरिजिनल वर्ड्स हम कोट करते हैं, और सेकंड है हमारी इनडायरेक्ट. फॉर एग्जांपल, ही सेड आई एम, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच के दो कंपोनेंट है, एक है आपका रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरी आपके रिपोर्टेड. अब रिपोर्टिंग स्पीच का अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब और अगर ऑब्जेक्ट इसका अपना होगा. दूसरा रिपोर्टेड, रिपोर्टेड होती है जो इन्वर्टेड कॉमास में, जिस तरह आई एम फाइन, इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस और इन्वर्टेड कॉमा क्लोजेस, तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. ये है हमारी एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच. अब इसको मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में अपने अल्फाज में बताना, ही सेड आई एम फाइन, हम क्या यूज करेंगे, ही सेड दैट ही वाज फाइन. अब ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया. कैसे चेंज किया? सबसे पहले हमने दैट लगाया, आई की जगह ही लगाया, एम की जगह वाज लगाया और इन्वर्टेड कॉमा खत्म कर लिए. अब हम ये कैसे करते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं डिटेल के. इंग्लिश में जब बात करते हैं तो तीन प्रोनाउन होते हैं. एक है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उसको कहते हैं आई वी. सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू. थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट और दे. तो थ्री पर्सन प्रोनाउन होते हैं. फर्स्ट इज आई वी, सेकंड इज यू, थर्ड इज ही, शी, इट एंड दे. अब हम ये डिस्कस करने लगे कि ये मैंने आई को ही में कैसे चेंज किया. इसके लिए इंग्लिश में एक फार्मूला है, सन फार्मूला. सन में क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फर्स्ट पर्सन है हमारा आई और वी. फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई एम फाइन. इंग्लिश का रूल है जब हम चेंज करते हैं प्रोनाउन तो हमेशा ये अंदर वाला जो, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड, ये चेंज होता है. तो इसमें अगर यहाँ पे हमारे हो आई या वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन थे आई तो वी, ये हमारा चेंज होगा सब्जेक्ट में. तो क्या बन जाएगा, ही सेड that he was fine. अब I जब he में change होगा तो वो convert हो जाएगा, जो भी इधर की word होगा he या तो he में change. I अगर यहाँ पे she होता तो she हो जाना था. तो indirect में एक हम that use करते हैं, I को हमने he में change किया तो he में वो convert हो गया. दूसरा क्या आपका o क्या होता है, o होता है हमारा second person pronoun. second person pronoun हमारे पास सिर्फ एक होता है, वो है you. for example अगर इसमें you आ जाए, he said to me you are ill. अब जो second person pronoun है वो हमारा object में change होगा. object कौन सा, जो बाहर reporting है. तो you हमारा change होगा me में, तो क्या बन जाएगा, he said to me that. you जब me में change हुआ, अब यहाँ पर हमें me use नहीं करना. अब me की subjective form क्या, I, क्योंकि you यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट है तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई होगा, आई वॉज इल. और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो है हमारा ही, शी, इट और दे. ये हमारे चेंज नहीं होते. फॉर एग्जांपल राइटिंग में आई, ही सेड ही इज गोइंग देयर, तो जब इनडायरेक्ट कहेंगे ही सेड दैट ही वॉज गोइंग. तो जब आपका इनडायरेक्ट रिपोर्टेड में आएगा ही है, शी है, इट और दे, वो चेंज नहीं होता. तो सन फार्मूला होता है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, एंड द थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे, वी डोंट चेंज देम. इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन. दूसरी चीज है इसमें चेंज ऑफ टेंसेस. अब यहाँ पे जो चेंज ऑफ टेंसेस है, ये बेसिकली हमारा जो बाहर वाला है इसके मुताबिक होता है. बाहर वाले को हम कहते हैं रिपोर्टिंग.
अगर हमारा बाहर प्रेजेंट टेंस है तो हमारा अंदर का टेंस सेम नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल ही सेज आई एम फाइन, तो इनडायरेक्ट में ही सेज दैट ही इज फाइन होगा, वहां पे हमारा अंदर का जो टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे. दूसरा बाहर अगर फ्यूचर आए ही विल से आई एम फाइन, तो जब इनडायरेक्ट करें ही विल से दैट ही इज फाइन होगा, तो फिर भी अंदर का चेंज नहीं होगा हमारा टेंस. थर्ड है हमारा अगर बाय पास्ट आए ही सेड आई एम फाइन, तो ही सेड दैट ही वाज फाइन, तो अंदर का टेंस चेंज हो जाएगा. जब टेंस चेंज करते हैं तो बाहर के मुताबिक, बाहर अगर प्रेजेंट टेंस है अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा, बाहर फ्यूचर है तो अंदर का टेंस चेंज होगा. प्रोनाउन है किसी में चेंज होगा, दैट है किसी में होगा, और तीसरा है अगर बाहर पास्ट है तो अंदर का टेंस चेंज हो जाएगा. ये एक पूरी आप ये टेबल देख लीजिएगा, इस टेबल के ऊपर एक टेबल है, इस टेबल में सारा ये चेंज है. अच्छा, उसके अंदर अगर से है, सैड है, इज आर एंड वाज, और कैन है, कुड में है, माइट में, अच्छा जी नाउ है, देन में, टुडे, दैट डे के अंदर, तो ये उसको चेंज हो गया जब आपका पास्ट टेंस होगा. ये बेसिकली आपके सिंपल है. अगर यहाँ तक आपको आगे तो इसका मतलब यू गॉट द आइडिया ऑफ डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच. आगे इसके 12 डिफरेंट रूल्स हैं. जो सिंपल हमारा डायरेक्ट इन डायरेक्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, सेड और टू लगाते हैं, मी है, और उसके बाद हम दैट लगाते हैं. अच्छा, आगे जो हमारे जो 12 रूल्स हैं उनमें दैट यूज नहीं होता. तो ये आपको दोनों टेक्निक आनी चाहिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से दोबारा डायरेक्ट, के दोनों आना चाहिए. आगे यार रूल नंबर 1 को मैं डिस्कस करता हूँ. अच्छा, रूल 1 है WH. अब रूल नंबर 1 है जो WH स्टार्ट, WH से कौन से थे, व्हाट, व्हाई, व्हिच, वेयर, हाउ मेनी और हाउ मच. इसको चेंज करने का एक तरीका है, ये आपको मैं स्लाइड्स में शो करता हूँ. इसमें सेट और सेट टू आस में चेंज होगा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा की जगह जो WH का वर्ड है, फॉर एग्जांपल इसमें वेयर है तो उसमें भी वेयर रहेगा. और तीसरा हमारा जो ये वो है अपना क्वेश्चन मार्क, वो हमारा सिंपल में होगा. तो सबसे पहले हम रोल नंबर 3 क्वेश्चन फॉर्म को सिंपल में चेंज करते हैं. क्वेश्चन फॉर्म सिंपल में कैसे होगा, ही सेड. अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, वेयर डू यू गो, ये क्वेश्चन मार्क है. अब इसको जब सिंपल करना है, डू अंदर चला जाएगा और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप होगा, वेयर यू गो. अभी मैंने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं किया, अभी मैंने सिंपल रूल नंबर जो सी था, रूल नंबर 3, वो मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्म से सिंपल में किया. अब इसको इनडायरेक्ट में करो तो जो फॉर्मूला था, ही सबसे पहले आस्क, आस्क के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, फिर रूल नंबर बी WH एज इट इज वेयर. अच्छा, यू है, यू बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो खुद से पोज कर ले मी, आई. अच्छा, बाहर पास्ट है तो अंदर का गो की जगह वेंट. ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में अगर आपके 10 आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनमें से 5 जो है ये रूल नंबर 1 और 2 में से आता है. इसमें सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने वेयर डू यू लिव, पहले इसको सिंपल करें. फॉर एग्जाम्पल आते थे वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर यू आर गोइंग. अच्छा, तो वेयर विल यू गो, तो वेयर यू विल गो, और क्वेश्चन फॉर्म खत्म हो जाएगी. दूसरा आस्क, आस्क के बाद टू नहीं लगाना, अक्सर बच्चे यहाँ पे टू लगाते हैं. तीसरी जो गलती करते हैं वो यहाँ पे दैट लगाते हैं. चौथी जो वो गलती करते हैं वो डू को अंदर ले जाते हैं, वेयर आई डिड वेंट, तो वेयर आई डिड वेंट रॉन्ग है. तो इसमें क्या है, आस्क उसके बाद मी, आस्क मी रूल नंबर 1, नंबर 2 वेयर, और रूल नंबर 3 ऑलरेडी हमने उसको उसमें कर दिया सिंपल. अब रूल नंबर 2 है आपका हेल्पिंग वर्ब. रूल नंबर 2 में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स, अब हेल्पिंग वर्ब्स इसको कहते हैं जी. अच्छा, डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, अगर इनसे स्टार्ट. फॉर एग्जांपल ही सेड, आर यू गोइंग, ये हमेशा आपका क्वेश्चन फॉर्म से स्टार्ट होगा जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर होगा. इसका रूल नंबर 1 सेम, सेड या सेड टू आस्क, स्लाइड के अंदर आप सेड या सेड टू आस्क में चेंज हुआ. उसके बाद मी, रूल नंबर 2 इन्वर्टेड काम में जाएगा. इफ और वेदर, वेदर बच्चे मौसम की स्पेलिंग लिख देते हैं तो आप प्रेफरेबली इफ यूज कीजिएगा. और थर्ड, क्वेश्चन फॉर्म को सिंपल में कीजिएगा. अभी मैं रूल नंबर सी अप्लाई करने लगा क्वेश्चन फॉर्म को सिंपल में, तो क्या मैं ही सेड, आर अंदर चला जाएगा तो क्या बन गया, यू आर गोइंग. अब हम इसको इनडायरेक्ट कर दें तो ही Asked me if I was going. अब यहाँ पे रूल नंबर 1 said you said to ask me, रूल नंबर 2 था जी if, और रूल नंबर 3 ऑलरेडी हमने इसको सिंपल में कर लिया. तो ये दूसरा, पहला रूल और ये दूसरा, इसमें अगर पेपर में आता है 10 तो
आपके जो पांच है वो ये वाला है। अब आपने इसमें दोनों टेक्निक करनी, सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है और इनडायरेक्ट से दोबारा डायरेक्ट चेंज करना, ठीक है। आगे रूल नंबर थ्री है जी हमारा ऑर्डर वाला। जो हमारे ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, गेट आउट, गो अवे, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें अगर ही सैड फुल स्टॉप, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, गेट आउट एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोजेस। तो आप इसको कैसे चेंज करना है, इसमें सेट में सेट टू चेंज होगा ऑर्डर प्लस मी या हिम कुछ ऑब्जेक्ट प्लस टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जिसको अगर हम चेंज करेंगे ही सेट गेट आउट तो होगा ही, सबसे पहले ऑर्डर, अच्छा उसके बाद मी, फिर उसके बाद टू और उसके बाद गो। ही ऑर्डर्ड मी टू गो। अगर ही सेट गेट आउट तो ही ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट हो जाएगा। ये रूल नंबर थ्री है। रूल नंबर फोर है कि हमारा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट हमें हमेशा स्टार्ट होगी विद द वर्ड ऑफ प्लीज। हमेशा आपने देखा ही सेट प्लीज हेल्प मी, प्लीज गो विद मी। तो इसमें सब कैसे चेंज होगा, सेट या सेट टू आपका चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड, फिर उसके बाद मी हिम हर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, फिर टू और फर्स्ट फॉर्म होगा। तो ही सेड प्लीज हेल्प मी, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। तो रिक्वेस्ट आएगा, मी होगा, टू और फर्स्ट फॉर्म होगा। आगे रूल नंबर फाइव है। रूल नंबर फाइव में आपका आ जाता है एडवाइस। एडवाइस हमेशा कोई बड़ा छोटे को कर रहा होता है, किसी को प्यार के साथ समझाता है। ही सेड ओके वर्क हार्ड। तो इसमें होगा सेड या सेड टू एडवाइस, फिर मी और हिम, फिर टू और फर्स्ट फॉर्म होगा। तो कैसे होगा, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। उसके बाद रूल नंबर सिक्स है फॉरबिड। फॉरबिड तो मना करना किसी बुरे काम से। ही सेड डोंट टेल अ लाई, ओके डोंट कीप बैड कंपनी। तो इसमें हम कैसे चेंज करेंगे, सेड और सेड टू फॉरबिड मी टू और फर्स्ट फॉर्म। जो फॉरबिड आ जाता है फिर हम नॉट यूज नहीं करते। तो ही फॉरबिड मी टू टेल अ लाई, ही फॉरबिड मी टू कीप अ बैड कंपनी। अब रूल नंबर जो थ्री फोर फाइव और सिक्स अगर आप कंपैरिजन करें तो एक कीवर्ड चेंज हो रहा है। पहले मैंने किया था ऑर्डर, ऑर्डर की जगह चेंज करते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की जगह करते हैं एडवाइस, एडवाइस की जगह फॉरवर्ड। आगे सब में मी हिम ऑब्जेक्ट कोई ना कोई यूज होगा, फिर टू होगा फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर रूल नंबर सेवन एट नाइन टेन इलेवन ऑनवर्ड इन सबके साथ ऐड होगा। तो नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर सेवन। रूल नंबर सेवन है सजेशन। सजेशन वाले हमेशा स्टार्ट होते हैं लेट्स या लेट अस, लेट्स या लेट अस। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, he said, comma inverted comma begin, let's go for a walk। तो इसको चेंज करने के तीन रूल्स हैं। नंबर वन, सेट या सेट टू आपका चेंज होगा सजेस्टेड, इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट आएगा, और लेट्स या लेट अस की जगह वी या दे और उसके बाद शुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जहाँ पे आप उसमें शामिल है वहाँ पे यू वी करते हैं, जहाँ पे आप शामिल नहीं है तो फिर दे करते हैं, जहाँ पे डाउट है तो आप दे यूज करना है। तो अगर हम इसको इंटरेक्ट करेंगे सेट लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो हम करेंगे ही रूल नंबर वन सजेस्टेड, रूल नंबर टू दैट, फिर दे शुड गो फॉर वॉक। तो ये रूल नंबर हमारा सेवन। अगर रूल नंबर एट है प्रेयर। प्रेयर वाले हमेशा स्टार्ट होंगे मे के साथ और एंड के ऊपर आपके क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, ओके मे यू गेट फर्स्ट पोजिशन। तो इसमें क्या होगा, सेट या सेट हमारा चेंज होगा प्रेयर। अच्छा बंदे के लिए करनी है प्रेड फॉर मी, प्रेड फॉर अली, अल्लाह से करनी फिर प्रेड टू गॉड होगा। अच्छा ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना खाली प्रेड, फिर दूसरा दैट यूज होगा और तीसरा मी अंदर जाकर आपका माइट होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारा सेंटेंस ही सेड मी गॉड ब्लेस यू, तो फिर होगा ही प्रेड दैट, अगर फॉर मी यूज करना कर लें ही प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अगर रूल नंबर है हमारा नाइन। रूल नंबर नाइन है जी हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी वो होते हैं जिसमें हमारे सडनली आउटबर्स्ट ऑफ द फीलिंग्स एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, ओ अल्लाह, वाओ, इस टाइप के हो। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको कॉल करता है कहता है यार आपने फर्स्ट पोजीशन ली है, हुर्रा आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है वो हुर्रा होता है जॉय, अल्लाह होता है सारो, ओ होता है वंडर। तो अगर आपका सेंटेंस है ही सेड अल्लाह आई फेल इन एग्जाम, तो सेड या सेड टू चेंज होगा एक्सक्लेम विद। अगर अल्लाह है तो सारो, अगर हुर्रा है तो जॉय, अगर वो है तो वंडर, तो दूसरा आ जाएगा दैट। तो ही सेड अल्लाह से फेल इन द एग्जाम, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट आई ही में चेंज हो ही। अच्छा फेल की सेकंड फॉर्म फेल्ड इन एग्जाम्स। नेक्स्ट पे है रूल नंबर 10, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, बेसिकली वन सेंटेंस डिपेंड्स ऑन अनदर सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास द एग्जाम, तो ये एक दूसरे से मशरूत है, अगर मेहनत होगी तो देन आई विल पास द एग्जाम। तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास द एग्जाम, इन दोनों में टेंस चेंज होगा। तो क्या होगा, ही सेड इफ आई वर्क हार्ड आई वुड पास द एग्जाम। दो सेकंड कंडीशन होती है, पास्ट एक में होता है, दूसरे में वुड होता है, ये शुड होता है, ये कुड होता है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड
If he worked out, he would pass the exam. इसमें tense change नहीं होगा. Pronoun हर किसी में change होगा. Pronoun के he said that, if I he में change होगा, he worked ही रहेगा और would की जगह would ही. If he said that, if he worked hard, he would pass the exam. और third condition होती है, पहले में past perfect होता है, दूसरे में would have, should have, could have, जितने words होते हैं. तो इसमें भी हमारा tense change नहीं होगा, pronoun होगे. He said if I had worked hard, I would have passed the exam. इसमें क्या होगा, he said that if he had worked hard, he would have passed the exams. उसके बाद फिर हमारे कुछ rules होते हैं जिसमें हम कहते हैं good morning, good afternoon. तो he said good morning, he greeted me. He said good afternoon, he greeted me. Greet का मतलब good afternoon. Sometimes होता है he said congratulations, तो he congratulated me. तो इस टाइप के. Next is universal truth. Universal truth में हम tense नहीं करते. He said God is one. So he said that God is one. He said the earth revolves around the sun. He said that the earth revolves around the sun. इसमें tense नहीं होगा. Pronoun और that हम use करेंगे. फिर sometimes हमारे use होता है by God. He said by God you will do this. तो by God को हमने change करना swear to God. अगर past है तो swore to God. He swore to God that जो भी आगे onward होगा. फिर ये तो हमारे रूल थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के. अब इसमें रूल नंबर पहले तो सिंपल रूल बताया, उसमें सेट टू और दैट आना. पहले हम टोल्ड यूज करते थे, भाई टोल्ड इसमें यूज नहीं होता. अगर सेट टू है तो सेट टू ही रहेगा. फिर रूल नंबर वन बताया. रूल नंबर वन में आस्ट आता है, डब्ल्यू एच आता है और अंदर वाला सिंपल हो जाता है. रूल नंबर टू में हमारा अगेन आस्ट आता है, इफ आता है और अंदर वाला सिंपल होता है. रूल नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स ऑडिट एडवाइस फॉरबिड मी टू और फर्स्ट फॉर्म. फिर रूल नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऑनवर्ड, उन सब में हमारा दैट आता है. अब ये बुक है मेरे पास जो है टेक्निक्स फॉर इंग्लिश प्रेसिंग एंड कंपोजिशन. इसमें है चैप्टर नंबर 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट. अब इस बुक के अंदर जो अच्छी बात है, आपने एक ये वाला करना है, इसके साथ इसके एक्टिविटी दी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट. वो वाली एक्टिविटी कीजिएगा चैप्टर 3 से. फिर रूल नंबर 2 है, फिर उसकी एक्टिविटी कीजिएगा. फिर रूल नंबर 3 है, फिर उसकी एक्टिविटी कीजिएगा. फिर 4 है एंड योर पास्ट पेपर्स, उन पास्ट पेपर्स को चेक करें. फिर उसके अंदर सोल्यूशन दिया हुआ, वो सोल्यूशन देख लें. फिर भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए ऑनलाइन या इधर आपको चाहिए डायरेक्ट, यू कैन कम टू मी और यू कैन कॉन्टैक्ट. आई टीच नियर अकबर चौक एंड पटियाला हाउस. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्लासेज देन डू लेट मी नो. Thank you very much. Kindly share, subscribe, and like my channel.